दोस्तों यह बात सुनने में जरूर अजीब लगेगी, लेकिन यह बात सच है। लाल चींटी की चटनी खाने से मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। छत्तीसगढ़ के सभी आदिवासी इलाकों में लाल चींटी के औषधीय गुण के कारण इसकी बहुत मांग है। मीठे फलों के पेड़ पर अपना घोंसला बनाने वाली चींटियों की इन इलाकों में बहुत मांग है। अपने औषधीय गुण के कारण धीरे धीरे इसकी मांग बढ़ती जा रही है। लाल चींटियों की चटनी यहां लगने वाले साप्ताहिक बाजारों में बेची जा रही है। दोस्तों आदिवासी इलाकों में लाल चींटियों से बनाई जाने वाली चटनी को चापड़ा कहा जाता है। लाल चींटी की चटनी को औषधि के रूप में प्रयोग में ला रहे आदिवासी का कहना है कि चापड़ा को खाने की सीख उन्हें उनके विरासत में मिली है। दोस्तों अगर यहाँ किसी को बुखार आ जाए तो उस व्यक्ति को उस स्थान पर बैठा दिया जाता है जहाँ लाल चींटियाँ होती हैं, और चींटियाँ जब पीड़ित व्यक्ति को काटती है तो उसका बुखार उतर जाता है। दोस्तों ये चींटियाँ आम, अमरूद और ऐसे मीठे पेड़ों पर अपना घोंसला बनाती हैं। आदिवासी किसी एक चीज में इन चींटियों को इकट्ठा करते हैं, इसके बाद इनको पीसा जाता है और इनको नमक मिर्च लगाकर रोटी के साथ ऐसे ही खा लिया जाता है। चींटी में फॉर्मिक एसिड होने के कारण इससे बनी चटनी चटपटी हो जाती है और इसमें प्रोटीन की भी मात्रा पाई जाती है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में इसे बस्तरीय चटनी भी कहा जाता है। बस्तर में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में चापड़ा के शौकीन इसे खूब खरीदते हैं। ऐसी मान्यता है कि साधारण बुखार होने पर ग्रामीण पेड़ के नीचे बैठाकर लाल चींटियों से खुद को कटवाते हैं, जिससे बुखार उतर जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।